The God's Place Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। 3 साल से इंतजार देख रहे युवाओं को बिहार पटना में रोजगार तो नहीं मिला, अलबत्ता प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियां जरूर उन पर भांजी गई। पटना के ADM KK सिंह ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे एक युवा पर खुद लाठियां चलाई। सड़क पर लेटे इस युवा के तिरंगा लिए हाथ पर निशाना साधते हुए ADM ने उसे लहूलुहान कर दिया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर ADM KK सिंह को जमकर कोसा जा रहा है। इस तरह लाठी चलाने को ADM की गुंडागर्दी बताया गया है। दरअसल पटना में सोमवार को पुलिस ने बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया। पटना के ADM KK सिंह ने तिरंगा लिए एक प्रदर्शनकारी पर जमकर लाठियां बरसाई। यहां तिरंगे का अपमान तो हुआ ही और प्रदर्शनकारी लहूलुहान भी। करीब 5,000 CTET पे BTET पास अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए वह वीडियो। बता दें कि बिहार में STET परीक्षा 8 साल बाद हुई थी। नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया। जनवरी 2020 में ऑफलाइन मोड में परीक्षा हुई, लेकिन 2-3 सेंटरों पर फर्जीवाड़े की बात सामने आने पर उसे रद्द कर दिया गया। दोबारा परीक्षा सितंबर 2020 में हुई, तब ये ऑनलाइन हुई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 3 साल से अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv। नमस्कार।